दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शहर समाचार से। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तहसीलदार और क्लर्क को रंगे हाथों 1,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। और आप ये देखें कि लोभ स्वार्थ कितना बढ़ गया है, लोग जो हैं वो किस हद तक जाकर, ये ब्यूरोक्रेट जो हैं वो किस हद तक जाकर कितनी कितनी रिश्वत जो है वो ले रहे हैं। कुछ समय पहले जब धारा 370 नहीं हटी थी, उस तरह से पारदर्शी कार्य जो था वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होता था, तो यहाँ पर रिश्वत खोरों का बोलबाला था। लेकिन उसके बाद एक सिक्योर इन्वायरमेंट देने के बावजूद जब ये भ्रष्टाचार को हम लोगों ने, मीडिया ने एक्सपोज करना शुरू किया और सरकार ने कार्रवाई करना शुरू की, तो इन लोगों ने अपना तरीका कार्य करने का उसको बदला है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। कुछ जानकारियां इस तरह की है, इस खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन कुछ बातें हमें लगता है आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और इसमें दोनों ही पक्ष, चाहे वो लोग हों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट, इन दोनों ने अब कार्य करने का तरीका बदल लिया। लोग जो हैं वो पैसे देते हैं और ऑफिसर जो हैं वो पैसे लेते हैं, चाहे फिर वो उसमें पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी हों, चाहे फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। जिस तरह से हमने आपको एक खबर बताई थी, आतंकवादियों ने अपना कार्य करने का तरीका बदल लिया है। वो भाजपा में घुस गए कि हम देशभक्त हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे थे और उन्हीं लोगों को, हम सब लोगों को मूर्ख बना रहे थे। ऐसे ही ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने भी अपना तरीका बदल लिया है। और आजकल तरीका ये है कि ये लोग खबर बाहर नहीं आने देना चाहते, कोई भी बात जो है वो बाहर ना आए। भ्रष्टाचार खत्म हो हुआ है ऐसा नहीं है, पहले से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन सुनने में यह आया है कि अमाउंट फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे आप कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, उन्होंने पहले से ही फिक्स किया होता है कि ये अमाउंट है इस कार्य के लिए, इस कपड़े के लिए आपको इतने पैसे देने हैं। वहां पे आप ज्यादा बातें तो कर नहीं सकते क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड हैं। इसी तरह से इन भ्रष्टाचारियों ने अपने अमाउंट जो है वो फिक्स कर लिए हैं। और अब हमें लगता है सरकार भी अपनी नीतियों को जो है वो थोड़ा सा बदले और इन भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि ये एक्सपोज और खत्म होना बहुत जरूरी है। ये तो एक ऐसी धीमक है जो धीरे धीरे समाज को खोखला और खत्म करता हुआ करती जा रही है। इस खबर को विस्तार से बताता हूं। खबर यह है कि तहसीलदार और क्लर्क को, श्रीनगर के हैं ये दोनों, ये रिश्वत मांग रहे थे एक शख्स से और इनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक इनका यह कहना है कि रिश्वत की मांग और स्वीकार करते हुए तहसीलदार और क्लर्क जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है मौके पर ही। और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो यह बताता है कि उनको एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि माजिद चौधरी, जो तहसीलदार हैं पंता चौक के श्रीनगर के, और उनके कार्यालय में जो क्लर्क हैं पीर वसीम अहमद, शिकायतकर्ता ने ये बताया, जो एप्लीकेशन दी उसमें बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को जारी करने के लिए 1,61,000 रुपए की रिश्वत जो थी वो मांगी गई। और बयान में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया और फिर बाद में इनकी को बार्गेनिंग हुई और तय हुआ कि रिश्वत की राशि जो है, जो रिश्वत दी जाएगी वो किश्तों में दी जाएगी और शिकायतकर्ता को पहली किश्त के रूप में 1,20,000 रुपए का भुगतान करना है। 1,20,000 जो है वो इनको उसका भुगतान करना था। हालांकि जो आरोपी था, आरोपी व्यक्तियों को रिश्वत की राशियों का भुगतान करने से पहले शिकायतकर्ता ने कानूनी सहारा लिया और एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखित में शिकायत दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच एप्लीकेशन के बाद जांच शुरू की और एक ट्रैप टीम का गठन किया
और टीम ने एक सफल जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से जो 1,61,000 रुपए की जो पहली किस्त के रूप में 1,20,000 रुपए रिश्वत देनी थी, राशि की जो मांग रखी गई थी, उसको स्वीकार करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया। एसीबी की टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और दोनों द्वारा रिश्वत लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो वाहन था, जो गाड़ी थी, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब्त कर लिया। उस गाड़ी का नंबर हम आपको बताएं, JK01AL8277 बलैरो गाड़ी थी। इसका इस्तेमाल जो था वो किया जा रहा था और इसमें यह भी कहा गया है कि वो कुछ गवाह जो स्वतंत्र गवाह थे वहां पर, उनके सामने उनकी मौजूदगी में रिश्वत के पैसे थे, उनको भी बरामद कर लिया गया है और बाद में आरोपियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी भी की गई और आगे जांच चल रही है। अब इस ये जो प्रेस रिलीज है इसमें एक बात हमें खटकती है, ये कहते हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई वो 1,61,000 रुपये मांगी गई, तो पहली किस्त के रूप में 1,20,000 की जो बात हुई इनकी, तो 1,20,000 तो पहली किस्त 1,20,000 कैसे बनती है? या तो फिर इस प्रेस रिलीज में गड़बड़ी है या फिर ये जांच का विषय है। इस पर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के कुछ अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि यही जानकारियां हैं और अभी ये जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये लिखित शिकायत दी गई थी उसमें ये बात बोली गई थी कि इतनी रिश्वत जो है वो मांगी गई है और ये जांच का विषय है, हम जांच करेंगे और जांच में जो चीज़ें बाहर आई वो धीरे धीरे जैसे ही बाहर आएंगी तो वो सार्वजनिक की जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे तहसीलदार, क्लर्क, लोगों को लाज और शर्म जो है वो भूल गई है, पैसों के लिए कुछ भी ये लोग कर रहे हैं। इतनी मोटी सैलरी होने के बावजूद ये लोग ये भी नहीं देखते कि समाज में इतने लोग गरीब हैं, मांग मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, ये लोग उनकी तरफ बिल्कुल इनका दृष्टिकोण नहीं, ये सोचते हैं कि हम ही खा जाएं। जब नौकरी नहीं मिलती है तो तब ये लोग कुछ और कहते हैं और जब नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद इनकी सोच और विजन देखें। इसमें लोगों को भी हम ज़रूर ये कहेंगे कि आप लोग जो हैं वो इनसे डरे नहीं, क्योंकि आज का तरीके जो है फिक्सेशन वाली जो बात हमने बताई है, हमें कुछ हमारे सूत्रों ने बताया कि इस तरह से ये आजकल ये लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए बात जो है वो मीडिया तक आ नहीं रही और लोग भी बता नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि हमारा काम चलता रहे, हमें कोई तंग ना करे। क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर जो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो उसके बाद इन लोगों का कार्य करने का तरीका बदल जाता है, ये लोगों को शायद दुखी और प्रताड़ित करते हैं और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम मीडिया के पास गए या हमने कंप्लेन की तो फिर हो सकता है हमें काम ही ना मिले, तो फिर ये भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं। लेकिन इस खबर के ऊपर आप अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।